महिला के पास प्रेग्नेंट होने के लिए महीने में सिर्फ 2 दिन का ही समय होता है। अगर ये 2 दिन महिला मिस कर देती है तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवुलेशन की। अगर आपको खुद का ओवुलेशन पता हो जाता है तो आप आसानी से और जल्दी प्रेग्नेंट हो पाती हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं गेट प्रेग्नेंट। आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप अपने जहन में डाल लेते हैं तो आपके लिए प्रेग्नेंट होना चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। अगर आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करने आता है तो आप आसानी से अपने पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करके अपना परफेक्ट ओवुलेशन डे निकाल सकते हैं और आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब ये पीरियड साइकिल क्या है? एक पीरियड आने के बाद जब आपकी दूसरी पीरियड आती है तो इन 2 पीरियड के गैप को ही पीरियड साइकिल कहा जाता है। तो आपको अपना पीरियड साइकिल याद रखना है, तभी आप अपने पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करके परफेक्ट ओवुलेशन डे निकाल सकते हैं। अब अलग अलग महिलाओं की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी की पीरियड रेगुलर आती है, किसी की पीरियड बहुत ही जल्दी आ जाया करती है, किसी की पीरियड 35 दिन पर या 40 दिन पर आती है, यानी कि इररेगुलर आती है। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि आप रेगुलर पीरियड में, शॉर्ट पीरियड साइकिल में और इररेगुलर पीरियड में अपना परफेक्ट ओवुलेशन डे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर पीरियड के बारे में। देखिए, अगर आपकी पीरियड टाइम पर आती है, हमेशा 28 दिन पर आ जाया करती है, तो आपको खुश हो जाने की ज़रूरत है क्योंकि आपका ओवुलेशन डे भी फिक्स होता है। रेगुलर पीरियड में ओवुलेशन डे निकालना बहुत ही आसान होता है। रेगुलर पीरियड में आपका ओवुलेशन आपके पीरियड साइकिल के 12वें दिन से शुरू होता है और 16वें दिन पर ख़त्म हो जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर आपके पीरियड महीने के 1 तारीख को आई है तो आपका जो ओवुलेशन होगा उस महीने के 12 तारीख से शुरू होगा और 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 12 से 16 तारीख के बीच ही आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड साइकिल के बारे में। अगर आपकी पीरियड 20 या 22 दिन पर या 23 दिन पर ही आ जाया करता है तो इसमें भी आप अपना ओवुलेशन डे आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपका पीरियड साइकिल शॉर्ट होता है तो आपका ओवुलेशन डे फिक्स नहीं होता है, आपका ओवुलेशन डे बहुत ही पहले ही हो जाया करता है। शॉर्ट पीरियड साइकिल में आपका ओवुलेशन पीरियड साइकिल के 8वें दिन से शुरू होता है और 12वें दिन पर ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आपका पीरियड महीने के 1 तारीख को आई है तो आपका ओवुलेशन शॉर्ट पीरियड साइकिल में 8 तारीख से शुरू होगी और 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 8 से 12 तारीख के बीच ही आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, इसी बीच आपका ओवुलेशन स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं इररेगुलर पीरियड के बारे में। कई महिलाओं की पीरियड इररेगुलर आती है, पीरियड टाइम पर नहीं आती है, कभी 35 दिन पर, कभी 40 दिन पर उनकी पीरियड आती है, तो इस कंडीशन में भी आप अपना ओवुलेशन पता कर सकते हैं। अगर आपका पीरियड इररेगुलर आता है तो आपका ओवुलेशन थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। इस केस में आपका ओवुलेशन पीरियड साइकिल के 21वें दिन से शुरू होता है और 25वें दिन पर ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आई है तो आपका जो ओवुलेशन होगा 21 तारीख से शुरू होगा और 25वें तारीख को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 21 से 25 दिन के बीच में आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस दिन आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये तो हमने जान लिया कि कैसे आप पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करके अपना परफेक्ट ओवुलेशन डे निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आपके शरीर में ओवुलेशन डे स्टार्ट होता है, जब आपके अंडाशय से अंडे फूटते हैं, तो आपके शरीर में कई ऐसे सिम्टम होते हैं, कई ऐसे लक्षण होते हैं जिसे आप पहचान कर आसानी से अपना ओवुलेशन डे पता कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको उन सारे सिम्टम के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, ब्रेस्ट टेंडरनेस। जब आपका ओवुलेशन डे स्टार्ट होने वाला होता है तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण आपके ब्रेस्ट में कई सारे चेंजेस होते हैं, कई सारे बदलाव होते हैं। अगर पीरियड साइकिल के मिड में आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ गया है, आपके निप्पल को हल्का भी छूने पर आपको दर्द सा महसूस होता है, आपके ब्रेस्ट में सूजापन सा महसूस हो रहा है, फूलापन सा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन कुछ ही घंटों के बाद स्टार्ट होने वाला है। ये सही समय है आपके लिए प्रेग्नेंट होने का। नंबर 2, जब आपका ओवुलेशन स्टार्ट होने वाला होता है तो ओवुलेशन स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपके सर्वाइकल म्यूकस में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं।
तो अगर आपको पीरियड साइकिल के मिड में काफ़ी ज़्यादा सर्वाइकल म्यूकस महसूस हो रहा है, अगर आपको कच्चे अंडे के सफ़ेद भाग जैसा चिपचिपा सा बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका है, ये बिल्कुल सही समय है। नंबर 3, सर्विक्स पोजिशन। आप इस फोटो में देख सकते हैं यूटरस का जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है और इसे हिंदी में बच्चेदानी का मुंह भी कहा जाता है। आपका ये जो सर्विक्स होता है पूरे महीने के दौरान, पूरे पीरियड साइकिल के दौरान अपने पोजीशन को चेंज करता रहता है। कभी ये ऊपर जाता है, कभी ये नीचे जाता है। खासकर जब आपका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के दौरान आपका ये सर्विक्स थोड़ा ऊपर चला जाता है और ये मुलायम हो जाता है और इसका मुंह खुल जाता है, और जब आपका ओवुलेशन ख़त्म होता है तो ये फिर से नीचे आ जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है और इसका मुंह बंद हो जाता है। तो आप चाहें तो अपने सर्विक्स पोजीशन की जांच करके आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं। सर्विक्स का पोजीशन कैसे चेक करते हैं इस पर मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सर्विक्स के पोजीशन को चेक करने के लिए आपको अपनी उंगली का सहारा लेना होगा। उंगली से आपको अपने सर्विक्स के पोजीशन को चेक करना है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका सर्विक्स थोड़ा ऊपर है, मुलायम है और उसका मुंह खुला है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका है, आपका ये बिल्कुल सही समय है प्रेग्नेंट होने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि सर्विक्स थोड़ा नीचे है, वो थोड़ा हार्ड है, उसका मुंह बंद है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। अगर आप इस जांच को करते हैं तो इससे आपका सर्वाइकल म्यूकस भी पता चल जाता है, यानी कि एक ही जांच से आपका दो दो जांच यहाँ पर हो जाता है। नंबर 4, BBT यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर। एक नॉर्मल महिला का बॉडी टेम्परेचर 97 to 97.5 फॉरेनहाइट डिग्री होता है, लेकिन जब आपका ओवुलेशन डे स्टार्ट होने वाला होता है तब आपके बॉडी का टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री बढ़ जाता है। तो आप चाहें तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर करके आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन डे कब स्टार्ट होने वाला है। इसे करने के लिए आपको हर रोज़ अपने बॉडी टेम्परेचर को सुबह में एक ही टाइम में मापना होगा। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन डे 24 घंटे के बाद ही स्टार्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98 या 98.5 फॉरेनहाइट डिग्री आता है तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन डे कुछ ही घंटों में स्टार्ट होने वाला है, आपके लिए ये बिल्कुल सही समय रहेगा। नंबर 5, अगर आपको ओवुलेशन कैलकुलेट करने में कन्फ्यूज़न आती है, आप ओवुलेशन कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, या आपको ओवुलेशन का लक्षण महसूस नहीं होता है फिर भी आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, अपना ओवुलेशन पता करना चाहती हैं, तो इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, वो है ओवुलेशन टेस्ट कीट। जी हाँ, मार्केट में एक ओवुलेशन टेस्ट कीट भी आपको मिल जाती है। इस ओवुलेशन टेस्ट कीट की मदद से आप अपनी ओवुलेशन को आसानी से और जल्दी पता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ओवुलेशन टेस्ट कीट आपको 300 से 400 रुपए में मार्केट में मिल जाता है। इस ओवुलेशन टेस्ट कीट का इस्तेमाल बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट कीट के जैसा ही किया जाता है। इसमें भी आपको यूरिन की मदद से अपना टेस्ट करना होता है। अगर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट होने वाला है, ये बिल्कुल सही समय रहेगा आपके लिए प्रेग्नेंट होने का। तो आपको करना क्या है कि बाजार से आपको ओवुलेशन टेस्ट कीट को परचेस कर लेना है। इसमें 6 से 7 स्ट्रिप होते हैं। आपको अपने पीरियड साइकिल के 10वें दिन से इसका टेस्ट करना शुरू करना है और लगातार आपको 6 दिनों तक इसका टेस्ट करना है। 6 दिनों के बीच में कभी भी अगर इसमें पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो आपका ओवुलेशन डे है, उसमें आपको देर बिल्कुल भी नहीं करना है। सो आई होप कि ये छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर ले। नीचे कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं कि आप अपने प्रेगनेंसी के लिए कब से ट्राई कर रही हैं। मेरे चैनल पे आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे। मैंने आपको अलग अलग प्रॉब्लम पे अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में बताया, घरेलू उपाय के बारे में बताया है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करके उन सारी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।